और ये मैदे का मरीज लेटा हुआ है हमारा, इन्होंने चावल खाए और अब जो है ना ये फरमा रही है कि मम्मा क्या फरमा रही हो भाई कि मम्मा मेरे चावलों की वजह से नहीं हो रहा, किस लिए हो रहा है, मैदा छोटा है, आते छोटी है, अल्लाह रुदावा आते छोटी है, तो ये होगा तुम्हारे साथ, हुक से निकल जाती है, कहीं से जुड़ी नहीं है क्या, बस ये इसलिए मुझे बेवकूफ़ बना रही है कि मम्मा जो है ना वो बस चावलों से का परहेज ना करवाएं, बस राइस का परहेज नहीं करना इसने, और ना बहाने बना लेना 100,000 बहाने। हाँ अच्छा हाँ बताओ कैसे आते सुखनी तुम्हारी, मुझे टाइफाइड हुआ था ना तो उसमें मेरी आते सुखड़ गई, अब वो जो मेरे नहीं है बाकी में बात है कि जो है ना मेरे पेट का और मेरे बैदर का, अब इधर एक है एक तो जैसे नहीं कहते जैसे खिलौने में होता है तो उसके अंदर मेरी एक आंत का मुँह फिट है और दूसरी तरह से दूसरी आंत का मुँह फिट है, अब वो मेरे टाइफाइड की वजह से मेरे वो सुखड़ गई, अब मैं जरा खींच के उठती हूँ ना तो ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना 9th class में आ जाते तो ऐसे ही माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमने भी शायद ऐसे ही बनाया होगा तो लेकिन इतना नहीं बनाया, तो वो जुड़ेंगी कैसे चावल ना खा के, अभी बाबा को बताना पड़ेगा, बाबा को बताना पड़ेगा ये कि ना यहाँ चावल जो है ना वो बन रहे हैं लेकिन स्टॉप नहीं हो रहे खाना ना, तो फिलहाल मुझे ये वाली सीजर मिली है और मैं बड़ी मुश्किलों से इस वीडियो के साथ इसको मैनेज कर रही हूँ, तो देखें आप कितनी सेफ पैकिंग इन्होंने करके भेजी हुई है, और ना जब हम छोटे थे ना तो हम इसके साथ खेलते थे, ये कॉलेस्टिन का कलर है, ये मैंने ना 2 शेड्स मंगवाए, ये देखें ये सॉफ्टली, ये देखिए सॉफ्टली जो है ये चटपट होते हैं और मुझे इतने अच्छे लगते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे ना बचपन में, जो जो खेलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने जो है ना बचपन में ना ये खेला है। अच्छा ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर आप दूसरे जैसे बैग्स वगैरह का मंगवाते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसको जो है ना बर्स्ट करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं शीट्स जो है रख लेती हूँ पैकिंग खोलने के बाद और फिर जब मुझे दिल चाहता है तो मैं मोहसिन वी आर वेरी फाउंड ऑफ दिस कि हम इसको बर्स्ट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम खेलते हैं इससे, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है लिटरली, बचपन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तो पूरी पूरी साइकिल्स वगैरह भी होती थी ना तो उस पर भी ये इसकी पूरी पैकिंग चढ़ के आती थी ना, पूरी पैकिंग जो है इसकी इसके ऊपर जो है वो रैप हुई भी होती थी, तो आई रियली इन्जॉयड, तो एक्चुअली मुझे ये चीज़ चाहिए थी और मंगवाया तो मैंने ये था बट मुझे ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये आई थिंक 500-600 के करीब का ही कलर है और ये कॉलेस्टन हेयर कलर क्रीम है बेसिकली, और ये चेस्टनट जो है इसका डार्क चेस्टनट इसका कलर है और इसके साथ जो है वो ये एक ब्लॉन्डर आया है जो कि आई थिंक सो पाउडर बेस्ड ब्लीचिंग जेल है फॉर हाई लेवल लाइटनिंग ना, अगर जैसे आपको कलर को कट डाउन करना है या कुछ ऐसा तो ये यूज़ होगा, अदरवाइज जो है आपने इस क्रीम के अंदर जो है इसको 20 वॉल्यूम ये जो है इसको आपने मिक्स करना है और यू कैन अप्लाई इट एंड गेट द कलर यू वांट, जो आपको कलर चाहिए वो मिल जाएगा, और ये है डार्क चेस्टनट कलर और इसके साथ जो है ना ग्लव्स भी होते हैं, इस वाले के साथ ना ग्लव्स भी होते हैं, बेसिकली इसमें ग्लव्स भी होंगे और एक डेवलपर भी होता है इसके अंदर लाइक दिस, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बट मैंने ये इसलिए मंगवाया है कि मैं इसको ट्राई कर सकूँ, सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब देखें
कि जब यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी आपको ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी वीडियो के थ्रू। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का मेरा जो डे है वो स्टार्ट हुआ पहले लूप वार्म वाटर, जिसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर और ज़ीरा वाटर ज़ीरा और इसके अलावा जो है तो बलंगा जो है वो मैंने भिगो के वो सुबह में पिया। उसके बाद मैंने ग्रीन टी ली और आज की डाइट जो है वो 3 दिन की डाइट है, ठीक है, दैट इज़ बनाना डाइट। इसमें हमने कुछ भी, तो उसमें जो है आज की डाइट में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक बनाना खाना है। और ये नस वीटा दूध है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा, अगर आपका पेट नहीं भरा, इसमें थोड़ा पानी जितना ये है एक गिलास और पानी मिला लीजिए। इसमें 2 तकरीबन ग्लास आपके पास ये फिर मिल्क हो जाएगा और ये आपका बनाना हो जाएगा। तो मैंने सुबह में जो अपना ब्रेकफास्ट किया था वो स्कूल में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो अब जो है मैं आपको बता रही हूँ 3 या 2 बनाना आपने लेने हैं और सिर्फ 1 पैकेट या 1 ग्लास मिल्क। तो जनाब ये आप ले सकते हैं या फिर देखें ये स्किम मिल्क, ये जो है स्किम मिल्क कहलाता है, ठीक है, जो कि लो फैट होता है, ठीक है। इसमें भी ये भी देखें आपके पास लो फैट है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है आपको कि दिस इज़ लो फैट UHT मिल्क हाई कैल्शियम, बट दिस इज़ लो फैट मिल्क, ओके। और इसके अलावा आप जो है ये इसके मिल्क का जो है वो मिल्क ले सकते हैं, सॉरी। तो ये जो है मेरे पास, इसमें देखें ये भी, इसमें जो है ये भी विदाउट फैट है, ये भी आप ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा डिलीशियस होता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, बट मैं ये भी पी लेती हूँ। जो चीज़ अवेलेबल हो आई लव टू डू अ हैट। तो इसमें ये देखें, ये इसकी जो है पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी हुई है, आप इसमें देख लीजिए, इसमें फैट बिल्कुल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है, लाइक दिस प्रोटीन है इसके अंदर, जो कि आपको ज़रूरत होती है वेट लॉस में। ईजीली आपका जो है वो वेट लॉस करता है, प्रोटीन आपको हेल्प करता है, ठीक है जनाब अली। तो ये हम इसके तकरीबन 3 चमचे लेंगे, 3 टेबल स्पून इसके लेकर, आप ठंडे पानी में या फिर नीम गर्म पानी में एज यू वांट आप उसको डिसॉल्व करेंगे एंड यू कैन टेक इट। अब 3 स्पून से आप इसके 3 ग्लास मिल्क बनाएं और या 4 ग्लासेस बनाएं मिल्क, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला मिल्क ले रहे हैं तो इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो लेना है, क्या कहते हैं आप, एक ही आप पैकेट लें इसका, 2 पैकेट नहीं लें, मैं तो एक्स्ट्रा मंगवा लिया है, बट आप नहीं लीजिएगा। और ये मैं 3 बनाना ले रही हूँ, लेकिन आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं लेने बनाना, ठीक है जी। तो ये वाली डाइट है हमारी, और आज दोपहर में भी मैं ये खाऊंगी और शाम में मगरिब के फौरन बाद हमने यही डाइट को रिपीट करना है, ठीक है। हमने मगरिब के बाद भी 3 बनाना लेने हैं, 1 नस्वीटा लेना है या फिर 1 कप इसका लेना है, इसके मिलाक का, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा होता है, बट ये कि मैं ज़्यादातर इसको जो यूज़ करती हूँ वो शेक्स वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ, बनाना शेक बना लिया या ओट्स का शेक बना लिया, ओट्स को जो है वो स्मूदी वगैरह बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो है फिर टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक है जनाब। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टुडे, एंड टुडे वीडियो इज़ अबाउट द अनदर रेसिपी ऑफ डाइट। और आज से जो है हम एक डाइट का न्यू वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बनाना डाइट। और बनाना डाइट हम 3 दिन करेंगे, जिसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वीडियो डालूंगी, उसके हमने सिर्फ 2 या 3 बनाना लंच, 2 या 3 बनाना ब्रेकफास्ट, 2 या 3 बनाना आफ्टर मगरिब, ठीक है। ये हमारे 3 मील्स हो गए, और उन बनाना के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप जो है वो स्किम मिल्क लेना है, ठीक है। स्किम मिल्क आप नेस्विटा के ज़रिए भी ले सकते हैं, और उसको आप चाहे पानी डाल के पतला कर लें, लेकिन 1 टेट्रा पैक से ज़्यादा नहीं लेना। और अगर आप इसके मिल्क का ले रहे हैं मिल्क, तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर, तो उस हिसाब से आपने लेना है। आज की वीडियो मैं बच्चों के रूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत है, बच्चों का कमरा काफ़ी ठंडा होता है माशाल्लाह से, और क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन है, इधर भी जो है हमारे वो है डोर है और सामने भी डोर है, और काफ़ी जो है हवा आती है मेरे कमरे में, थोड़ा ज़रा गर्मी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है जी।
तो यह आपने लेना है, और इसके अलावा जो है आपने कुछ भी नहीं देना, नो सॉल्ट, नो एडिशनल फ्रूट्स, नथिंग, नो वेजिटेबल्स, कुछ भी नहीं लेना। तो ये बहुत सख्त डाइट होती है, वैसे तो 7 डेज करनी चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी, तो इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस डाइट के ज़रिए 1 से 1.5 kg एक दफ़ा लूज़ किया था, और उससे पहले मैंने 2 kg लूज़ किया था। तो ये डाइट आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत यम्मी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, लेकिन जब आप जहन पे सवार ना करें, सारा गेम यहाँ का है कि हम डाइट कर रहे हैं, ठीक है 3 दिन की तो बात है, गुजर जाएंगे 3 दिन, वक्त तो गुजर ही जाता है ना, वक्त नहीं रुकता किसी के लिए, तो वक्त गुजर जाएगा, बट आपके लिए कितना बेनिफिट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए आज मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ, मुझे खुद को फील हो रहा है, मैं अपनी तारीफ़ खुद इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, अपनी तारीफ़ खुद करेंगे तो खुशी ज़्यादा अच्छी होती है। आज मैं ज़्यादा अच्छा बोल रही हूँ, थोड़ी हेजिटेशन भी बाय द टाइम वीडियोस बनाने से जा रही है। तो ये सिलसिला है जनाब अली, अब इस डाइट को फॉलो ज़रूर करिएगा, और आप दुआ करें प्लीज़ कि बारिश हो जाए खैर की, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड वेदर हुआ हुआ है, हवा चल रही है बट जो हब्स है और जो पक्स कराची की एक चिपचिपी वाली गर्मी है ना, पसीने वाली गर्मी, वो बहुत हॉरेबल होती है। खुश गर्मी वो एक अलग सीन है, बट ये पसीने वाली गर्मी, और मोस्टली जो कराची के शहर है ना, वहाँ कराची के जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो पानी का इशू बहुत होता है, तो लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से मैं जगह जगह देखती हूँ टैंकर्स आए हुए होते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है, और टैंकर्स भी इतने ज़्यादा रेट्स जो है वो ले रहे हैं टैंकर माफिया, तो वो भी बड़ी जो है ना प्रॉब्लम वाली बात होती है लोगों के लिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 3-4 हज़ार रुपये का टैंकर मंगवाना और उस पानी में बरकत भी नहीं होती, तो इट्स रियली पेनफुल। तो जनाब बच्चों की कल पार्टी है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, कुछ ख़ास ऐसा मेरे बच्चों से नहीं मंगवाया स्कूल से, तो कल पार्टी है उसकी भी तैयारी करनी है। मेरी डाइट तो आज बहुत दिन तक बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि मुझे कुछ हाईली कुक नहीं करना, कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, तो इस वजह से मुझे तो अपने डाइट के हवाले से कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि मुझे आज ये कुछ पकाना होगा, चूल्हा फ्री डाइट है मेरी, सही है ना। तो मेरे ख्याल में जिनको चूल्हे के पास जाने में और इसकी हीट से प्रॉब्लम है, तो वो ये वाली डाइट ईजीली 3 दिन तक कर सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि इस वाली डाइट में 2nd-3rd डे आपको चक्कर आने लग जाएंगे, मुझे तो आने लग जाते हैं, और जो मेरे 1-2 क्लीग्स हैं हम लोग जब मिलके कर रहे होते हैं तो उनको भी सेम यही फीलिंग हुई है कि उनको भी चक्कर का इशू हुआ है। तो आप लोग बताएं मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो अगर वेट लॉस को इस रेसिपीज़ को और 21 डेज़ चैलेंज को मेरे साथ फॉलो करें, डू कॉमेंट आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ इस डाइट से या नहीं हुआ, आप लोग कर रहे हैं या करेंगे, और अगर आपने अपनी डाइट में मेरी डाइट के साथ कुछ और एडिशनल किया है तो वो क्या है और उससे आपको कितना फ़ायदा मिला, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।